हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रजनी 007 मैथ्स ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड, आज का बजट ट्रिक्स नंबर 428, चलिए देखते हैं क्या है। चैनल बनाए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज का पजल है, इफ ए प्लस बी है 5ab, बी प्लस सी है 6bc, सी प्लस ए है 7c, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सॉल्व दिस अलजेब्रा मैथ्स प्रॉब्लम। तो फ्रेंड, आप भी एक वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। हो फ्रेंड, अब तक आपने ट्राई कर लेंगे अपने कमेंट और फीडबैक शेयर कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, का सॉल्यूशन देखते हैं और देखें फाइनली इस अलजेब्रा मैथ्स प्रॉब्लम का फाइनल आंसर क्या होगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन। हे फ्रेंड्स, तो आज का पजल रिलेटेड है अलजेब्रा से कि अगर ए प्लस बी का वैल्यू ऑफ 5ab, बी प्लस सी है हमारा 6bc, सी प्लस ए का वैल्यू है 7ca, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो चलिए फ्रेंड देखें इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड इस इक्वेशन पे ध्यान देंगे, हम बोथ साइड में ए बी से डिवाइड कर देंगे। ए बी से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1/b प्लस 1/a इक्वल टू 5, राइट। हियर बोथ साइड हम बी सी से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या मिलेगा, 1/c प्लस 1/b इक्वल टू 6, राइट। हियर सी ए से डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/a प्लस 1/c इक्वल टू 7, राइट फ्रेंड, ये इक्वेशन मिल जाएगा हमें। तो लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, इसे सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं और इसे हम ले लेते हैं थर्ड। अब क्या करेंगे फिर, एड इक्वेशन 1, 2 एंड 3। जब हम ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, 1/b आपका 2 टाइम है, 1/a भी 2 टाइम है, 1/c भी 2 टाइम है। इट मीन्स वैल्यू आएगा 2 टाइम 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 5 प्लस 6 प्लस 7, जिसका के वैल्यू होगा 18। तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 18/2 9। इसी इक्वेशन को हम ले लेंगे फ्रेंड 4। हो फ्रेंड यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 1। 4 से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड तो आप देखेंगे कि 1/b और 1/a कैंसिल हो जाएगा और यहां सिर्फ क्या बचेगा, 1/c इक्वल टू 9 माइनस 5, जिसका की वैल्यू है 4। तो यहां से सी क्या मिल गया फ्रेंड हमें, 1/4, राइट। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 4 को 2 से, 4 इक्वेशन को 2 इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं 1/c और 1/b हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 1/a इक्वल टू 9 माइनस 6। तो यहां से फ्रेंड हमें ए पता चल जाएगा 1/3। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 4 फ्रॉम, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे ए और सी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1/b इक्वल टू 9 माइनस 7, जो कि होगा आपका 2, राइट फ्रेंड। तो यहां से हमें बी मिल जाएगा फ्रेंड 1/2। और हमारा इक्वेशन, हमारा फाइनल आंसर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी हमें फाइंड करना है। तो ए हमें मिल गया है फ्रेंड 1/3, बी मिल गया है 1/2 और सी मिल गया है 1/4। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर इसका हमारा मिल जाएगा फ्रेंड 13/12। दिस फ्रेंड 13/12 इज राइट आंसर फॉर दिस अलजेब्रा मैथ्स प्रॉब्लम। इसका फ्रेंड इसे सॉल्व करेंगे। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड इसी तरह के अगेन फेमस मजेदार ट्रिकी पजल विद सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।